हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस डैड। दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। और आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग में एक रेसिपी देखने को मिलेगा जो कि है चिकन रेसिपी। और मेरे को कुछ अलग बनाना था, लेकिन अब देख रही हूँ कि घर में इतना सारा काम वाम हो गया है, क्योंकि अभी जो ये पूरा है ना घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। इसलिए कि अभी हमारा घर का जिसमें हम रहते हैं ना रेंट पे, वो पूरा छोड़ रहा है पपड़ी टाइप का, तो उसका वो हो रहा है पुट्टी वगैरह आदि भी हो रहा है, काम चल रहा है। तो इसलिए सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। बाकी आपको दिखाते हैं एक तरफ जो राशिद का जो कमरा है वो तो सत्यानाश हो चुका है, देख सकते हो पूरा भरा पड़ा है ये कमरा। अलमीरा अलमीरा सब इधर बिखड़ा पड़ा है। अभी पंखा चलाया गया ये सब सूखने के लिए। बाकी मेरा भी रूम एकदम गंदा हो गया है, सारा चेयर वगैरह इधर सब फैला हुआ है, मेरा एडमिट कार्ड वगैरह सब इधर उधर हो गया है। तो अभी चलते हैं किचन में, पहले अभी खाना बनाने का तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था सुबह में आलू पराठा, क्योंकि आज हमें जाना था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है तेल डाल के, फिर थोड़ा सा जीरा और ये हरी मिर्च और लाल मिर्च मैंने मिला के डाल दी, क्योंकि ज़्यादा ना हरी मिर्च ज़्यादा लाल मिर्च डालने में फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इसलिए मैंने अभी प्याज डाल दिया। बाकी यहाँ पर चावल फुला के मैं रख दी हूँ, और अब इसमें मैं जा रही हूँ पानी को वो करने, पानी डाल के फिर बैठा देती हूँ तब तक प्याज बचती हूँ। बाकी आप सभी को पूरा रेसिपी दिखाऊंगी। अभी मिस्टर आज गए हैं लौट पे, तो आप लोग बने रहो, खूब सारा प्यार दो। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, क्योंकि लहसुन मैंने डाला नहीं था इसलिए मैंने लहसुन में डाल दिया है। तो प्याज को ना पहले जब भी हम बनाते हैं पहले हम तो ऐसे बनाते थे, थोड़ा सा प्याज गलता था फिर मैं चिकन के साथ उसको भूनती थी, लेकिन अब मैं घर गई थी ना तो मम्मी बोली मम्मी जी कि प्याज को पूरा झूठ भूल देना उसके बाद तब जाके चिकन डालना, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। बाकी मम्मी एक और रेसिपी मेरे को बताई थी चिकन का, कि चिकन को पहले तल के उसके बाद बनाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अभी मैंने उस तरह ट्राई नहीं किया। मैं उस दिन करने वाली थी लेकिन बहुत लेट हो गया था इसलिए मैंने किया नहीं, और आज भी लेट हो गया, लंच बनने में लेट हो गया, बाहर इतना सारा काम वाम चल रहा है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं चिकन, एक तरफ ये पानी भी गर्म हो रहा है और एक तरफ सारा काम चल रहा है। अभी हमारा मंदिर वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ आ गया है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें हमारा तो घर नहीं है इसलिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मंदिर को पता है यहाँ रख दिए थे किचन के पास, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और जिधर मंदिर रहता है उधर जेरी को हम नहीं रखते हैं, तो अब मंदिर उधर भी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो अब मेरे रूम में जगह ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो वैसे अभी हम छू भी नहीं सकते मंदिर, क्योंकि मैं अभी नॉनवेज वगैरह कुछ बना रही हूँ। अभी मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ, आप लोग बने रहो और ऐसे ही आप लोग को रेसिपी दिखाऊंगी। अभी मैंने कुछ नमक वगैरह नहीं डाला है, बस प्याज को भून लूँ, फिर चिकन डालने के बाद मैं डालूँगी, आप सभी को सब कुछ दिखाऊंगी, आप लोग बने रहो। हे एवरीवन, तो अभी आप लोग देख रहे हैं तब से मैं ऐसे ही बनाए जा रही हूँ, और इसमें काफ़ी देर से मैं भूज रही हूँ, इसमें थोड़ा नमक हल्दी डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं इस पर डाल देती हूँ हल्दी। गाइस जो लोग नहीं खाते ना प्लीज़ मत देखना यार, नहीं तो हम नहीं चाहते हैं आप लोग को परेशान करना, क्योंकि आप लोग परेशान होते हो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा। तो बहुत सारे लोग मुझे पता है नहीं खाते, तो वो लोग नहीं देखेंगे वीडियो, लेकिन जो लोग रेसिपी देखना चाहते हैं कैसे बनता है वो तो देख सकते हैं। अभी मैंने हल्दी नमक डाल दिया, अब हल्दी नमक डाल के इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है, ये खुद ऑलरेडी पानी छोड़ेगा। बाकी आप लोग बने रहना, और अभी तो मैं सिर्फ हल्दी नमक डाल के ऐसे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरा इसको अच्छे से चलाना होता है, और कढ़ाई हमारा थोड़ा छोटा है, क्योंकि एक जो कढ़ाई था उसमें जब भी बनाते हो ना तो जल जाता है, इसलिए इस कढ़ाई में ही बनाना पड़ता है। बाकी जैसे नए घर में अपने शिफ्ट होंगे कभी, गाइस दुआ करो हम लोग जल्दी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत टाइम हो गया, इतने दिनों से बन ही रहा है
पता नहीं कब तक बनेगा, जल्दी जल्दी। ओह अच्छा हुआ गिरा नहीं ज़्यादा, डब्बा खुला ही रह गया मैंने। और यहाँ पे एक तरफ चावल बन रहा है, तो अभी जस्ट इसमें पानी खोल गया था तब मैं ऐसे चावल डाली हूँ। बहुत सारे लोग ना कुकर में चावल बनाते हैं पर मुझे नहीं आता, क्योंकि एक तो गीला हो जाता है, प्लस कुकर का जो चावल होता है वो बोलते हैं मार निकाल के ज़्यादा मतलब सही होता है चावल खाना, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ चावल का, हमेशा शुरू से ही बनाती हूँ, चाहे कितने भी लोग हो मैं मार निकाल के ही बनाऊँगी। तो रहने देते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी बैठे हुए हैं, बाकी इस रूम में अभी पंखा चल रहा है क्योंकि अभी रूम थोड़ा भरा पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे राशिद भी अभी वीडियोस वगैरह डाल रहा है, तो हमारा फेसबुक अकाउंट है वो है मनीषा सचिन राय, सचिन मनीषा राय, उस पर अभी दूसरा रील्स डाल रहा है, बहुत ही मज़ेदार, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है गाइस, तो भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ किचन किंग, क्योंकि ये मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम पीस के कोई मसाला नहीं डालते हैं, जैसे जीरा मरीच वगैरह ये सब नहीं डालते हैं, बस जो जीरा डाल देते हैं खड़ा और उसके बाद से मरीच तो नहीं डालते। और ये है चिकन मसाला, तो इसको भी अभी डाल देते हैं। यस अभी राशिद फोन पे बात भी कर रहा है। और ये गरम मसाला, तभी गरम मसाला इसमें डाल देते। ठीक है करो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है चिली पाउडर, जैसे भुका हुआ मिर्च, तो इसको डाल देते हैं, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेट के लिए ठीक भी नहीं होता। और ये सब डाल देते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ी देर में अब टमाटर डालेंगे, एक टमाटर, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे मीठा मीठा टाइप का लगता है, स्पाइसी प्लस मीठा, आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो अभी हम यहाँ बना रहे हैं, और यहाँ अभी देख सकते हो जो मसाले में डाल दिए, थोड़ा थोड़ा कलर आना स्टार्ट हो गया, बाकी कम आँच पे ही बना रहे हैं क्योंकि इसके अलावा बहुत सारा काम भी है, रील्स वगैरह मैं शूट कर रही थी। तो अब इसमें थोड़ा सा बस डालूंगी टमाटर, उसके बाद और भूजूंगी, भूजने में ही बहुत टाइम लगता है, वरना तो सिंपल बनाना होता तो ऐसे ही बन जाता, तो बने रहो आप। हे एवरीवन, तभी मैं बना रही हूँ खाना, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा जाऊँ जस्ट राज को बुलाने। माना किधर है माने नहीं दिख रहा, बाय माने बाय, मुझे माना नहीं दिख रहा है, तू नहीं दिख रही है ना माना, तू नहीं दिख रही है, किसी दो कैसे देता हूँ, खड़े होके नहीं, तुम नहीं चढ़ पाओगी ना, तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, तुम तो बहुत छोटी हो। दोस्तों मिस्टर राज को भी मैंने बुला लिया है, चलती हूँ। हे गाइस, तो भी यहाँ देख सकते हो ये मैंने बनाया हुआ है, और कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना, देखने में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे धनिया, वो क्या बोलते हैं, टमाटर, और अभी इसमें डालना है पंखियों, टमाटर से थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता था टमाटर वाले मतलब कितने लोग टमाटर डाल के बनाते हैं, आपको जरूर बताना। और इसमें मैंने ये डाल दिया है टमाटर, ठीक है गाइस, अभी मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, थोड़ी सी धनिया पत्ता, थोड़ा सा ये भुजा रहा है, पानी थोड़ी देर में डालूंगी मैं, बाकी और धनिया पत्ता यहाँ पे है जो कि थोड़ी देर में डालूंगी जब ये हो जाएगा पूरा ग्रेवी वाला। एवरीवन, तो अभी इसको जितना भूज रहा उतना ही लाल हो रहा है, बाकी थोड़ी देर में इसमें पानी भी डालूंगी। हे एवरीवन, तो फाइनली मैंने चिकन बना लिया, सबको दे भी दिया, और अब इस ब्लॉग का रह लेती हूँ यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। जाते जाते हमारे इंस्टाग्राम आईडी है राजमनीषा सचिन, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जाइए जल्दी जल्दी फॉलो करिए एंड खूब सारा इन्जॉय करिए। थैंक यू।